हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शान और आज किस हम बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मेरे पास नंबर ऑफ कमेंट आ रहे हैं आप सभी के कि जी भाई चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है, समझ में नहीं आ रहा। तो आज ये चैप्टर को आसान बना देते हैं और मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा वन शॉट डाल चुका हूँ, ठीक है। आप एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, केमिकल एक्शन, इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट और चैप्टर लाइट मैंने कवर करा दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हमारे एक छोटा सा मैथ्स का चैनल है यार, ठीक है, जहाँ पर हम डेली क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रही है वहाँ पर, तो एक बार आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज वहां पर हर क्वेश्चन कराया जा रहा है, ईच एंड एवरी बिल्कुल डिटेल के साथ। ओके, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर सच में बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर आप इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ेंगे ना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, एक तो सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो भी है क्वेश्चन हम करने वाले हैं, न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, बेसिक से चीजों को हम पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए होंगे, जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, वो हम चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, सारे फैमिलियर है, ठीक है। आपने स्विच ऑन करा, बल्ब जल गया, स्विच ऑन करा, ठीक है, आपका फैन घूमना स्टार्ट हो गया है। आपने इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, उसका प्लग लगा, स्विच ऑन करा तो गर्म हो गई, ठीक है, कोई तो रीजन होगा उसके पीछे। इलेक्ट्रिक टोस्ट, ठीक है, स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिक टोस्ट गर्म हो गया। गीजर, ठीक है, स्विच ऑन करा और पानी गर्म हो गया, क्या इसके पीछे क्या रीजन है? क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है? क्या जब हम बैटरी, छोटी बैटरी की जगह बड़ी बैटरी लगाते थे तो बल्ब एकदम से ज्यादा तेज ग्लो करने लगता है? कोई तो रीजन होगा ना इसके पीछे, तो वही रीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो ये मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा एक नीडफुल चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जिसके बिना आज की लाइफ तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पर ही शिफ्ट हो गई है, ठीक है। पहले की जो ट्रेन थी वो, ठीक है, कोयल पर चलती थी, ठीक है, कोयला डालते थे, वो वहां पर आग जलती थी, फिर वहां पर जो है प्रेशर बनता था, तो वहां पर वो इंजन चलता था। बट आज के टाइम में सब दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, या फिर आपका मेनली कोई भी मेट्रो है, ठीक है, और बाकी इंडियन रेलवे, ये सारी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चल रही है। मेनली ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बना बिल्कुल लाइफ इम्पॉसिबल है आज के टाइम में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इतना अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि कंट्रोलेबल है, हम इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें चाहिए हमने स्विच ऑन कर लिया तो हमें, ठीक है, या फिर हमने बैटरी से तार जोड़ दिए तो हमें वहां पर करंट मिली और हमारी जो नीड थी हमने उसको फुलफिल कर लिया। ओके, ओके, तो मेनली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंट्रोलेबल है, ठीक है। इसको हम होम्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, हर जगह, हर सेक्टर में इसको हम यूज कर रहे हैं। तो हमने बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके यूजेस पढ़े। ओके, अब बात करते हैं कि एक्चुअली बेसिक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है और सर्किट क्या है। देखो, करंट से पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज एज यू ऑल नो, ठीक है, एक हमारा बेसिक यूनिट है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं चार्ज, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारे क्या आते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम के अंदर ये तीनों चीज होती हैं और ये बिल्कुल बेसिक सब एटॉमिक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक यूनिट जिन्हें मानते हैं। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारा करंट का कॉन्सेप्ट है वो यार यहीं से हमें पता चलेगा, ठीक है। ये जो प्लस होता है, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव होता है ये होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन होता है, ये हमारा होता है न्यूट्रल, ठीक है। ओके, तो ये चार्जेस जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं, और ये जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करता है। तो ये तो छोटा सा बेसिक हो गया चार्ज के बारे में, हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है। चार्जेस आपने वैसे भी, ठीक है, छोटे बच्चे हम भी करते थे अपने टाइम पे, स्केल लेते थे, ठीक है, उसको अपने हेड से रब करते थे और फिर उसको कागज के ऊपर उसको लाकर देखते, छोटे छोटे कागज के ऊपर लाके देखते, तो जो वो जो पेपर होते हैं, छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं, वो उसे अट्रैक्ट होते थे। क्यों? क्योंकि जब रब करते हैं तो रब करने से चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे एक सिल्क क्लॉथ, ठीक है, और एक आपकी ग्लास की रोड है, वहां पर अगर आप उसको रब करोगे तो वहां से चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज कुछ स्टैटिक चार्ज होता है, कुछ चार्ज मोशन में होता है। चार्ज को स्टैटिक से मोशन में लाने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, अब मेन चीज है जी करंट क्या होता है। देखो, ये जो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, चार्ज से पहले का था, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ना थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज से पहले आया था। तो तब हमें आगे पता चला, उस टाइम तो ये कहते थे कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं,
पर ये कैसे फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कराता हूँ। तो बेसिक अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जी चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, वो कोई भी एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, ये मान लो ये चार्ज है, ये चल रहा है, चार्ज का चलना इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें चार्ज है आपको इलेक्ट्रॉन, अगर ये स्टैटिक है तो यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज है वायर में बैठे हैं आराम से शांति से, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जहां चार्ज चलना स्टार्ट हुआ चाहे धीरे ही चले, जहां चार्ज मोशन में आ गए वहां पर आपका करंट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है ये अगर स्टैटिक है तो देर इज नो करंट, अगर चार्ज चलना स्टार्ट हो गया तो देर इज अ करंट, सिंपल डेफिनेशन है करंट की, व्हेन द चार्ज इन मोशन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ वो तेज चल रहे हैं, टाइम के साथ वो धीमे चल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो आपका करंट जो है वो तेज फ्लो कर रहा है या कम फ्लो कर, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आपका बता रखा, जब आप ये एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे, काफी अच्छा पैराग्राफ है, इसको एक बार देखना। जैसे आप टॉर्च में देखते हो, जब हम टॉर्च ऑन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो जाता है, क्यों ग्लो होता है, क्योंकि हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से क्या है कंप्लीट सर्किट बन गया, और कंप्लीट सर्किट बनने से क्या हुआ कि वहां पर चार्ज तेजी से फ्लो करने लगे, ठीक है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिटेल कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर एक चीज देखो, ये आपका कोई बल्ब है, ठीक है, ये आपका कोई बल्ब है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर, ठीक है, सेल लगाया हुआ है। थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि एक्चुअली सेल का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसे मैंने बैटरी लगाई तो चार्ज चलना स्टार्ट हो गया, बैटरी लगाते चार्ज चलना स्टार्ट हो गया, चार्ज चलते यहाँ पर करंट चलना स्टार्ट हो गया, तो करंट चला, ओके। अब जहाँ इसको बिल्कुल क्लोज मिल गया, अच्छा पॉजिटिव से चला, नेगेटिव जहाँ इसको मिल गया वहीं बल्ब ग्लो हो जाएगा, अगर यहाँ पर हल्का सा कोई ब्रेक कर दे तो क्या करंट फ्लो हो जाएगा, क्या बल्ब जल जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जलेगा, क्योंकि क्लोज सर्किट होना चाहिए, पॉजिटिव से और नेगेटिव दोनों इसे क्लोज चाहिए, ठीक है। तो वो ये होता है आपका करंट फ्लो किस तरीके से करता है। अच्छा, हमेशा याद रखना जो चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जैसे यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से चले इलेक्ट्रॉन, ये यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, पर यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव से फ्लो होगा, यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो आपका पॉजिटिव से चलना चालू होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब करंट तो आपका इस तरीके से जा रहा है आई, ये आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, अभी करंट मान लो, आगे हम देखते हैं, करंट इधर चलना चालू होगा तो इलेक्ट्रॉन उल्टी तरफ चलना चालू होगा, जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका जो करंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। एक रिसर्च से ये चीजें पता चली हैं, ठीक है, कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है कुछ नहीं है, सपोज करो यहाँ पर आपका चार्ज था, ठीक है, इस जगह आपका चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी पावर मिली, ये एक्साइटेड हो गया, ये चला गया, तो इसने जो अपनी जगह छोड़ी उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ये आप थोड़ा सा सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, पी टाइप एन टाइप जंक्शन में। पर इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह से चला गया है तो वहां जो जगह खाली बच जाती है उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। बाकी इस चीज से रिलेटेड आपको काफी ज्यादा थ्योरी जो आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक इतना पढ़ लो कि चार्ज चल रहा है तो वहां पर करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट चलता है, आई उसको नोट करता है। आगे बात करता है कि एक्चुअली करंट क्या होता है, इसको यार यहाँ पर कन्वेंशनली बोला गया है, ठीक है, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट या कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे मैंने आपको बताई है। थोड़ी सी नेक्स्ट बात करते हैं, एक्चुअली यार करंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चार्ज है, ठीक है, इसमें कोई भी चार्ज है, तो अगर चार्ज मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, तो यहाँ पर यार करंट भी फ्लो हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, तो चार्ज का चलना ही करंट है। अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं तो I इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर क्यू क्या हुआ यार, ये चार्ज हुआ, व्हाट इज क्यू, क्यू इज ए चार्ज। अब ये देखो टाइम क्यों लिया गया है विद रेसिप्रोकल, टाइम इसलिए लिया गया है क्योंकि चार्ज जो चल रहा है,
अगर कम टाइम में ज्यादा चार्ज चल रहे तो ज्यादा करंट, अगर ज्यादा टाइम में कम चार्ज चल रहा है तो कम करंट, ठीक है। तो इसलिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है आपके एम्पियर। क्या चीजें समझ आई, क्या चीजें समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप यार देख सकते हो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है। ये चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलम होती है, और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो यार या तो इसको आप एम्पियर लिख लो करंट को, या फिर कूलम अपॉन सेकंड लिख लो। तो मेनली एम्पियर यूज करता है, तो आप इसको एसआई यूनिट जो होती है इसकी एम्पियर होती है, ठीक है। और कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं, जैसे आई की वैल्यू 2i, 2 एम्पियर, तो आप क्या लिखोगे 2, और इस तरीके से एम्पियर, ठीक है। बस इतना करना। विच इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन नियरली 6 × 10⁻¹⁸ कूलम, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो एक कूलम में क्या होता है 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और जिस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस का होता है ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना ही वैल्यू होती है, इतना चार्ज है। माइनस 19 तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में। वन एम्पियर क्या होता है, वन एम्पियर ये होता है कि अगर वन चार्ज फ्लो करे एक सेकंड, अगर एक चार्ज फ्लो करे एक सेकंड, इसका मतलब क्या, आई इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन वन सेकंड। अगर भैया एक चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, ठीक है, ये वाला एक आपका वायर है, ठीक है, अगर इस पे एक चार्ज जा रहा है, एक कूलम जा रहा है, एक चार्ज जा रहा है और एक सेकंड में जा रहा है, तो वहां पर आपका, ठीक है, आपका 1 एम्पियर हो जाए। कहते हैं मदर क्लियर हुई, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर क्या होता है 10⁻³, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप देख सकते हैं। ये आपका एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपकी यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। ये ध्यान रखना पॉजिटिव टू निगेटिव, हमेशा जो करंट होगा अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है करंट, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना। ये के की है, मतलब स्विच है ऑन और ऑफ वाला, और ये एमीटर, ठीक है। अब एमीटर क्या होता है, एमीटर वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम करंट फाइंड आउट कर पाते हैं कि जी इस सर्किट में कितना करंट चल रहा है, कैसे देखकर थोड़े पता चलेगा, या करंट खुद बोलेगा कि जी मैं 3 एम्पीयर से फ्लो कर रहा हूँ, नहीं, करंट उसमें रीडिंग आएगी। तो एमीटर क्या होता है, एक रीडिंग होती है जिसमें एक सुई सी रहती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कुछ रीडिंग्स होती है, ठीक है, एक इस तरीके से यहाँ पर निडल बोल लो, ठीक है, यहाँ पर होता है 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो निडल, ठीक है, उसके तरफ को इशारा कर देती है, अगर कम जा रहा तो 5 पर और ज्यादा जा रहा तो 20, या फिर ठीक है 15, 10, जो भी रीडिंग्स होंगी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, ठीक है, ये आप जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा यार यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 मिनट। अच्छा, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, इस पर ही बेस्ड हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 10 मिनट है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम है, तो टी इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 10 मिनट, और हमेशा हम सेकंड में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 × t कर देंगे, सॉरी 60 × हाँ मतलब 10 वही, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6। ये क्यों करा हमने, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 × 60 कर देंगे, तो ये हमारा 600 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पर आपका जो आई है, ठीक है, 0.5 एम्पियर है, यहाँ पर हमें चार्ज निकाला, तो फॉर्मूला लगाया यहाँ पे आई इक्वल टू, ठीक है, क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई कितना हो गया हमारा यहाँ पर 0.5, और टी कितना हो गया हमारा 600। तो यहाँ पर आप, ठीक है, ये इधर से जीरो घट गई तो जीरो, ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया 300, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इट इज अ सिस्टमेटिक डायग्राम, ठीक है, या इट इज अ सिस्टमेटिक वे इन विच वी हैव कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर, प्लग की, और यहाँ पर आप वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट है एम्पियर। इट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, या फ्लो ऑफ द कूलम विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड्स। ये आप सिंपली इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से पढ़ लेना, समझ आ गया। मेन चीज समझने वाली आप एग्जाम में अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्या इतनी बातें समझ आ रही है, क्या इतनी बातें समझ आ रही है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यहाँ से आप चीजें अपनी तरफ से बना सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है द चार्ज कंटेन नियरली 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में,
उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हम किसी वायर में, ठीक है, सेल लगाते हैं या जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर जो चार्ज होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। और हमने सुना है कि सॉलिड्स के अंदर जो है ना, वो चार्ज थोड़े बहुत मूव करते रहता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो उन चार्ज के साथ होता क्या, तो चीजें डिस्कस करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के यहाँ पर थोड़ी सी बातें करता है ना। देखो, ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर के अंदर हमने क्या करा, ये आपका सेल लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव से आपका, ठीक है, वो करंट चलना चालू हो गया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनका रैंडम मोशन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा सा मूव कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये रैंडमली मोशन करता रहता है अगर इनको हम कोई भी एनर्जी ना दें, क्योंकि चार्ज जो है वो थोड़ा बहुत मोशन करता रहता है। आपको भी पता होगा कि मैटर्स के अंदर, ठीक है, जो भी पार्टिकल होता है वो थोड़ा बहुत मोशन करता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। गैस में थोड़ा ज्यादा करता है, सॉलिड में काफी ज्यादा कम करता है, बट थोड़ा बहुत, ठीक है, एक पार्शली मूवमेंट होता है। तो इस वायर के अंदर जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई, ठीक है, यहाँ पे मैं बैटरी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बैटरी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये पार्टिकल जो था ये ऐसे ही रैंडम मोशन कर रहा है। बट क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर बैटरी लगाई, ठीक है, ये मैं नीचे बना देता हूँ, क्या हुआ जब हमने यहाँ पर बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाने पर क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इनका जो मूवमेंट हो गया वो सेम डायरेक्शन में हो गया सबका, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो गया वो अब एक यूनिडायरेक्शनल हो गया। पहले कहते हैं रैंडमली कहीं पर मूव करते, बट जब हमने बैटरी लगवाई तो इनका जो मूवमेंट हो गया ना वो एक, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन या जो चीजें, जो चार्ज, ठीक है, यहां पर मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं उसको बोलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहते हैं बातें समझ आइए। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही है वैसे, ठीक है, क्लास टेंथ में, ठीक है, ये चीजें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह नहीं आएंगी, बट हाँ एडवांस लेवल है। मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें बेसिक से बताया जाए, ठीक है, बेसिक चीजें यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराना चाहता हूँ। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर करंट इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी हम, ठीक है, बैटरी लगाते हैं तो सब चार्जेस की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो जाती है, बट बैटरी, अच्छा, बैटरी आपका सेल लगाने से पहले ये कहीं भी रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भैया पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल आपने नाम सुना होगा कि कभी कभी स्कूल में टीचर्स बोलते थे कि इस बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है या इस लड़के में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कुछ कर लेगा लाइफ में, कुछ जिंदगी में कर लेगा। तो अब पोटेंशियल से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, इस बैटरी में कितना पोटेंशियल है कि ये चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या ये करंट को, ठीक है, कितनी स्पीड से इस वायर में मूव करा सकता है, क्या इतनी बातें समझ आई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि इस बैटरी में कितनी पावर है, ठीक है। आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, आपके पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है, तो जो बैटरी है ना ये चार्ज को पुश करती है। अब मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, बैटरी का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे ये यूनिडायरेक्शनल में आ गए, बैटरी लगाते ही यूनिडायरेक्शनल में आ गए, एक सेम डायरेक्शन में आ गए सब। तो इस बैटरी ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन दी, इलेक्ट्रॉन को पुश करा कि भैया तू मूव हो जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, तभी तो करंट चलेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो क्या करंट चलेगा? नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, एक तरीके से समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, बैटरी, बिल्कुल बेसिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बैटरी, ये क्या करा रही है, ठीक है, चार्ज फ्लो करा रही है। बैटरी ना लगाएंगे तो चार्ज फ्लो होगा नहीं, बैटरी ना लगाएंगे तो बल्ब जलेगा नहीं, बैटरी नहीं लगाएंगे तो करंट चलेगा नहीं, बैटरी लगाते ही करंट चलने लगा, बैटरी चलाते ही चार्ज चलने लगा और बल्ब भी जलेगा। क्यों? क्योंकि ये 10 वोल्ट की है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या करा, ये इसको एनर्जी दी चार्ज को, यहाँ पर चार्ज है ना, यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कि भैया यहाँ पर चार्ज है, ये इस चार्ज को फ्लो करा रहा है, वरना तो चार्ज आराम से बैठे हैं, थोड़ा बहुत मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, फिर चुप बैठ गए, फिर रैंडमली मूव कर रहे हैं, बट बैटरी लगाते ही सब में एनर्जी भर गई और ये मूव करने लगे तेज से। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या तीन बातें समझ आई? ठीक है, तो बैटरी की वजह से चार्ज फ्लो करता है और ये एक तरीके का पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो यार, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्या डिफरेंस है? नहीं है, ये VA या VB, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B है,
क्या इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस है या नहीं, तभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीजें जाएंगी। अरे समझ आई नहीं आई। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ये एक पानी से भरी हुई आपकी, ठीक है, ये एक मान लो टैंक है, पानी से भरा हुआ टैंक है ये। इस टैंक में पानी डला हुआ है, ठीक है, ये एक, ठीक है, ये एक पाइप जो है ये इस टैंक से कनेक्ट है और ये वाला टैंक थोड़ी हाइट पर है। इस वाले का पोटेंशियल हाई है, इस वाले पोटेंशियल का लो है, समझ पा रहे हो? इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल है, तभी तो ऊपर से नीचे आ रहा है पानी। भाई अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तो कुछ चलेगा? सपोज करो ये दोनों, ठीक है, टैंक है और ये दोनों सेम ही लेवल पर है, इसमें भी इतना पानी है और इसमें भी इतना पानी है, तो क्या ये वाटर इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक डिफरेंस नहीं होगा दो पॉइंट में, जब तक कैसे करंट या कैसे वाटर एक दूसरे से दूसरी जगह जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो डिफरेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये वी ए और वी बी में, ठीक है, डिफरेंस होना जरूरी है। और ये जो इसे बोलते हैं, ठीक है, वी ए या पॉइंट ए पॉजिटिव बोलते हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, करंट की बात मैं कर रहा हूँ, करंट की बात यहाँ पर। तो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो हो रहा है करंट, क्योंकि पॉजिटिव हाई आपका वो है पोटेंशियल और निगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो मैं करंट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओनली, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली करंट। तो हाई से लो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, हाई से लो जा रहा है, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर हाई से लो जा रहा है, डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। प्रेशर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जैसे पानी का प्रेशर होता है ऐसे आपका जो है ये इसमें भी जब बैटरी लगाते हैं तो एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल होता है, एक तरफ कम होता है, ठीक है। ये बैटरी का थोड़ा सा है, एक पोटेंशियल पॉजिटिव का थोड़ा हाई मानते हैं, ठीक है, निगेटिव का कम मानते हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरीके से चीजें चलती हैं। क्या इतनी बातें समझ आई है? जी बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है, ओके। अब इसको डिफाइन कैसे करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग द सम करंट दैट इज द वर्क डन इन मूव टू द यूनिट चार्ज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मानते हैं वी, ठीक है, यहां से मैं चीजें रिमूव कर देता हूं थोड़ा सा, ओके, इसको रिमूव करता है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो यू कैन टेक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मानते हैं यार हम वी, ठीक है, और वी जो होता है हमारा, अब ये बैटरी क्या कर रही है, वर्क कर रही है ना, बैटरी काम कर रही है ना कुछ, भाई तभी तो चार्ज फ्लो हो रहे हैं। अगर बैटरी ही नहीं लगाओगे चार्ज फ्लो जाएंगे, नहीं होंगे। तो बैटरी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, काम कर रही है, किस पर काम कर रही है, भाई किसको पुश कर रही है, चार्ज को ही तो पुश कर रही है। तो चार्ज क्या होगा यहाँ पर, क्यू, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? कोई भी अगर क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट में पिन कर देना, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होती है, ठीक है, मैंने ये आपको, ठीक है, सिंपली बता दिया है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट फ्रॉम द वन टर्मिनल टू अनदर फ्रॉम द या फ्रॉम वेयर द चार्ज इज मूविंग, राइट। इतनी बातें समझ आ रही है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका, ठीक है, वन वोल्ट क्या होता है, वन वोल्ट क्या होता है, वन वोल्ट है आपका, वन जूल ऑफ वर्क हो रहा है, डन, वन जूल वर्क डन ऑन द वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, वन जूल वर्क डन ऑन द वन कूलम्ब ऑफ चार्ज, आपका आपका ठीक है, वन वोल्ट होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये है कि दो पॉइंट के बीच में आपका वोल्टेज को मेजर करना। जैसे सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ठीक है, इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका मेजर करता है वोल्ट मीटर, ठीक है भाई, 220 वोल्ट या 300 वोल्ट, ठीक है। आपने सुना होगा कि जी लाइट हमारे में 220 वोल्ट आती है या 300 वोल्ट आती है, तो ये मेनली वोल्टेज इसी चीज को बोलते हैं। हाउ मच वर्क डन मूविंग द 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर 2 कूलम्ब चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पर वर्क डन हमें निकाला, हाउ मच वर्क डन, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, वी क्यू, वी क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 12, और चार्ज कितना हमारा क्यू 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24, W है तो जूल आ जाएगा, ठीक है, तो 24 जूल आपका आंसर है। नेम द डिवाइस व्हिच हेल्प टू द मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मेंटेन करता है, बैटरी और सेल, ठीक है, सेल और बैटरी, आप यहां पर कुछ लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज टू मूव फ्रॉम द 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट या 1 टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल,
ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, यहाँ पर मैंने आपको बताया भाई एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा रहा है तभी तो वर्क वर्क डन हो रहा है ना, वही चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सिक्स वॉल, ठीक है, हाउ मच ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू, तो ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज मतलब वन और वी कितना है सिक्स, तो आंसर इज द सिक्स जूल, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में, सर्किट डायग्राम है क्या, ठीक है, एक सर्किट डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको सेल बोलते हैं, सिंपल इस तरीके से आपने कर दिया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव का थोड़ा बड़ा ठीक है साइन होता है, या एक डंडा सा बड़ा सा खींच दो यहाँ पर, एक छोटा सा खींच दो निगेटिव हो जाएगा, अगर ऐसे ऐसे तीन चार लगा दे तो ये बैटरी बन जाएगा सिंपली। ओपन ओपन क्या होता है, ओपन की क्या होती है, बस इस तरीके से कर दो, ये ओपन है, क्लोज क्या होती है, बस यहाँ बिंदी लगा दो, ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। वायर जॉइंट को इस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस कर रहा है तो ऐसे करके ऐसे कर दो तो क्लोज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब को थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दिया इन्होंने यहाँ पर, तो इसको ऐसे करो, ऐसे घुमाओ, ऐसे कर दो, ठीक है, कुछ बटरफ्लाई टाइप बन गया। चलो रेसिस्टेंस को कैसे करते हैं, ऐसे करके एक ऊपर नीचे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कांटे से बना दो तो ये रेसिस्टेंस बन जाता है, यहाँ पर एमीटर ही हो गया, वोल्ट मीटर इस तरीके से हो गया। तो ये आपका जो है वो सर्किट डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हो। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपका और काफी बच्चों को टफ लगता है तो इसको भी आसान कर देते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या था यार, ये एक तरीके का रिलेशनशिप इन्होंने बताया वोल्टेज और करंट के बीच, तो थोड़ा सा बेसिक से पढ़ते हैं ओम्स लॉ, और ये बिल्कुल क्लियर होने वाला आज ओम्स लॉ, मैं सच बता रहा हूँ। आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, देखो यार मैं तो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, एक्टिविटी के साथ, ठीक है, तो हम एक्टिविटी करते रहते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो आपके पास एक बल्ब है और यहाँ पर आपने बल्ब में बैटरी लगा दी, ठीक है, 3 वोल्ट की, ठीक है, एक और आपने बल्ब ले लिया, उस बल्ब को भी वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, आपने 6 वोल्ट की, और फिर से आपका मन करा एक्सपेरिमेंट करने का, तो आप बाजार गए मार्केट से और आपने जाकर, ठीक है, एक बैटरी यहाँ पर लगा दी 9 वोल्ट की। अब यहाँ पर आप देखना चाह रहे हो कि जी बैटरी चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, बैटरी चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो अभी फर्क बता रहे थे क्या होगा। यहाँ पर जब आपने 3 वोल्ट की बैटरी लगाई तो बल्ब जो है वो हल्का सा ग्लो करा, बहुत डिम सा होता है, हल्का। 6 वोल्ट बैटरी लगाई तो भैया करंट चलेगा बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा तेज ग्लो करने लगा, ठीक है, और जब आपने 9 वोल्ट की लगाई तो ये तो और तेज ग्लो करने लगा, एकदम इसने सूरज निकाल दिया घर में, ठीक है, ये और तेज ग्लो करने लगा। तो इस चीज से आप समझ कर रहे हो ये ग्लो क्यों कर रहा है, ये कम ग्लो हुआ, फिर थोड़ा तेज ग्लो हुआ, फिर और तेज ग्लो हुआ, मतलब ये तीनों में क्या डिफरेंस क्या आया फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्टिविटी में। ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट में बल्ब थोड़ा सा कम ग्लो कर रहा है तो करंट भी कम ही जा रहा होगा, सेकंड में थोड़ा तेज ग्लो कर रहा तो करंट भी थोड़ा ज्यादा जा रहा होगा, थर्ड में और तेज ग्लो करा तो करंट और ज्यादा तेज चल रहा होगा। क्या हम इतना बोल सकते हैं कि जितनी हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उतना करंट हमारा बढ़ता जा रहा है, क्या एक्स वाले एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीजें पता चल गई, बिल्कुल भाई, 3 वोल्ट लगाई करंट थोड़ा सा चला बल्ब ग्लो हुआ, 6 वोल्ट लगाई तो करंट और ज्यादा चला तो बल्ब ज्यादा तेज ग्लो हुआ, 9 वोल्ट लगाई तो करंट और ज्यादा तेजी से मतलब चार्ज तेजी से मूव करा, चार्ज का ही तो करंट हुआ ना, तो मतलब करंट और ज्यादा तेज से चलने लगा तो यहाँ पर ज्यादा तेज ग्लो हुआ। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट होगा, तो क्या हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से लगा सकते हैं, भाई जितना ज्यादा हमने वोल्टेज की वैल्यू लगा दी उतना ज्यादा हमारा करंट बढ़ता चला गया, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल को हटाते तो आई वी इक्वल टू आई आर लेते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है आर रेसिस्टेंस, ठीक है, पर इसको हम वेरिएबल बना देंगे थोड़े टाइम बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक हो गया ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी, अरे जहां ध्यान आना पोटेंशियल तो वहां बैटरी लगा दे करो, अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस या यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट है, मतलब वोल्ट बैटरी, भाई सेल बैटरी, ये
पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें कॉमन टर्म सेम ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा बैटरी उतना ज्यादा करंट, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, ठीक है। तो यहाँ पर V इक्वल टू IR हो गया और R इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक बार मैं आपको सर्किट डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि VI ग्राफ क्या होता है। VI ग्राफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ऊपर की तरफ ग्राफ के थ्रू बताया गया, करंट चला इधर की तरफ। तो जब हमने 0.4 वोल्ट लगाया तो 0.1 करंट मिला, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर आपका 0.8 लगाया तो हमें यहाँ पर 0.3 मिला, जब हमने यहाँ पर, ठीक है, 0.6 लगाया तो हमें 0.2 मिला, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती चलेगी वैसे वैसे हमें यहाँ पर यार करंट मिलता चला। क्या हमें इतनी बातें समझ आई है? तो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। इसको स्ट्रेट लाइन को अगर हम बोलें तो ये होता हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है, ये होता हमारा रेसिस्टेंस। क्या इतनी बातें समझ आई? ये हमारा VI ग्राफ होता है, ठीक है। और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, ठीक है, ओम्स लॉ जिन्होंने दिया, ठीक है, गियोर्ग साइमन ओम, ठीक है। तो ये आपका ओम्स लॉ है कंप्लीट आपका, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V बाय I इक्वल टू कांस्टेंट, या V इक्वल टू IR, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे एक्चुअली आगे। ओके, तो इतना समझ आया क्या? एक बार फटाफट लाइक कर दो, ठीक है, और काफी ज्यादा मेहनत लगती है इसलिए शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। ओके, अब बात करते हैं एक्चुअली रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस को मैं आपको एक एक्टिविटी के साथ बताते हैं, ठीक है। ये आपका रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहां पर आपका रेसिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर जब आपने बैटरी लगाई और यहां पर जब आपने बैटरी लगाई तो आप यहाँ देखोगे कि जो सेकंड केस है हमारा, इसमें करंट का लॉस काफी ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। जो सेकंड केस है ना, इसमें करंट का लॉस ज्यादा हो रहा है, मतलब जो एमीटर में आपकी जो रीडिंग है ना थोड़ी सी कम दिखेगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट। वाई? क्योंकि या तो कहीं पर करंट खत्म हो रहा है। भाई एमीटर में रीडिंग कम क्यों दिखेगी? क्योंकि करंट कम जा रहा है, मतलब कम जा रहा है तो मतलब कहीं करंट ज्यादा खर्च हो रहा है। करंट खर्च कौन कर रहा है? रेसिस्टेंस ही लगाया हमने तो यहाँ पर। ज्यादा रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट खर्च हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? क्या ये करंट को रोक रहा है? बिल्कुल। क्या ये रेजिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट? क्या ये करंट को रेसिस्ट कर रहा है? बिल्कुल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को, जैसे करंट चल रहा है ना यहाँ पर, ये करंट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये स्विम नहीं कर रहा है करंट, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक करंट चल रहा है तो ये इसको रोकता है। ये रेसिस्टेंस जो है ना, ये इसको रोकेगा करंट कि भैया मत चल, पीछे हो जाओ। तो इस तरीके से ये करंट को रोकता है, करंट को खा जाता है, मतलब करंट को खाने का मतलब है करंट को कन्वर्ट कर देता है हीट में, ठीक है। तो पास होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, करंट का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, एक बिल्कुल सीधी रोड है, ठीक है, आपकी यहाँ गाड़ी बढ़िया तरीके से जा रही है, पर अगर आपकी गाड़ी हो और यहाँ पर रोड थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो, ऊपर नीचे इस तरीके की रोड हो, तो क्या गाड़ी सीधी चली जाएगी? अच्छे से चली जाएगी? नहीं जाएगी, गाड़ी बीच में खराब हो जाएगी। तो गाड़ी मतलब आपका करंट हो गया और ये रोड क्या हो गया? आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो गाड़ी को उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, मतलब आपके करंट को चलने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं आपका जो है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी वाई आई, ठीक है, और इसको ओम बोलते हैं। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ओम। ये जो है ना ग्रीक लेटर है, ऐसे करा और ऐसे कर दिया, ये आपका ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? ये अपोज करता है। कंपोनेंट इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट द चेंजिंग द वोल्टेज कॉल्ड द वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है? वोल्टेज से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका करंट से मतलब है। ये करंट को रोक देता है। अगर हमें करंट को कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बात करी थी ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलेबल है, इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। बाय कंट्रोल कैसे हो रही है? रेजिस्टेंस की वजह से। कहते हैं बातें समझ आए, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द यूजिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस। काफी ज्यादा इस वीडियो का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करा हमने कि जी वायर में भी यार अपना रेजिस्टेंस होता, ठीक है, ये जो वायर होता है ना इसमें भी अपना खुद का ही रेजिस्टेंस होता। अब आपने क्या करा, ठीक है, आपने इस वायर को, इसकी लेंथ हाफ कर दी, सेम वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ आपने हाफ कर दी। अब हाफ करने से क्या हुआ? ये वायर थोड़ा सा, ठीक है, मोटा हो गया,
काटा नहीं है इसको, इसको मोल्ड करके इसकी लेंथ हाफ कर दी। तो जब इसको छोटा करोगे तो मोटा होगा, ठीक है। तो ये वायर इतना था और इसकी लेंथ अगर हाफ कर दी तो थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है, लेंथ इसकी सेम सी बन गई है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी लेंथ हमने हाफ कर दी तो आई थिंक इट्स लाइक हियर, ठीक है, ओके। तो ये वायर था एल, अब इसकी लेंथ क्या कर दी, एल बाई। अब एक ही एक्टिविटी हमने दोबारा करी, इस वायर को हमने खींच दिया तो इसकी लेंथ तो डबल होगी पर एरिया इसका छोटा हो गया। नहीं आया समझ, अभी समझा देता, ठीक है। हमारे पास क्या था, एक वायर था तो हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, उसी वायर की हमने लेंथ छोटी कर दी मोल्ड करके तो उसका एरिया बढ़ गया, और इसी वायर की हमने लेंथ ट्वाइस कर दी, ठीक है, और तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ हो। तो इन दोनों में हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा, केस फर्स्ट में और केस सेकंड में, ठीक है, इन दोनों में जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, केस फर्स्ट में केस सेकंड में, तो हमें ये महसूस हुआ कि जब हमने इनमें एमीटर लगाया तो इस वाले में जो एमीटर की जो रीडिंग थी वो बढ़ गई, एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो गई। इस वाले केसेस में जो एमीटर की रीडिंग थी, एम्पियर या एमीटर, एम्पियर मतलब करंट, एमीटर क्या क्या करता है, एम्पियर को नापता है, करंट को नापता है, तो एम्पियर इंक्रीज हो गया। और भैया इस वाले केस में क्या हुआ, एम्पियर डिक्रीज हो गया। क्यों भाई, ये करंट इंक्रीज डिक्रीज कब होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई तो था रेसिस्टेंस बताया था शायद, यस रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो अगर वायर जो है वो उसकी लेंथ हाफ हो जाए, एरिया डबल कर दे, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस आपका कम हो जाता है। कितना कम होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। अगर हाफ हो तो आर बाय फोर हो जाएगा, ठीक है, और अगर लेंथ बढ़ जाती है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ये फोर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ हाफ हो जाती है तो रेसिस्टेंस भी मतलब कम हो जाता है, हाफ नहीं आर बाय फोर हो जाएगा, हाफ की बात बता रहा हूं। अगर थ्री टाइम्स हमने लेंथ कम कर दी तो वो आर बाई नाइन हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। बट अगर लेंथ बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर लेंथ बढ़ा दी तो मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, और यहां पर क्या हुआ, एरिया के इन्वर्सली हुआ। क्यों भाई, अगर एरिया बढ़ा रहे हैं मतलब एरिया बड़ा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अगर लेंथ बड़ा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे मान सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड, आर बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ये जो आर हो गया ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एल बाय ए के। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं, जो रेजिस्टेंस हो गया ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एल बाय ए के, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करी। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करूँ तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय, और ये रो क्या है यहाँ पर, रेसिस्टिविटी, इसको थोड़ा सा चीजें डिस्कस करते हैं, ओके। तो रेसिस्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज ग्रेटर या जनरली हायर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। एलॉय जो होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि एलॉय जो होते हैं ना उनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, और हाई टेम्परेचर पर वो आराम से, ठीक है, वो सह लेते हैं हाई टेम्परेचर को। और एक इसमें यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर, ठीक है, या इसमें एलॉय यूज होता है मेनली, और टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वेयर द कॉपर एंड एल्युमिना जनरली यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जहां पर करंट चलता है वहां के लिए तो कम रेजिस्टेंस चाहिए ना। एलॉय क्यों यूज होता है, जिसमें ये मान लो कि करंट को कन्वर्ट करना पड़ता है हीट में, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्ट, वहां पर एलॉय यूज होता है। तो ये सारी चीजें रेसिस्टिविटी पर डिपेंड हो रही है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले रेसिस्टिविटी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। रेसिस्टिविटी क्या होती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब इनबिल्ट। ये मान लो कि कोई बच्चा है वो शुरुआत से टॉपर है, शुरुआत से इंटेलिजेंट है, या उसको शुरुआत से ही, ठीक है, बचपन से उसका माइंड शार्प है, या बचपन से उसे क्रिकेट काफी अच्छा खेलता, तो उसकी रेसिस्टिविटी हो गई। और कोई, ठीक है, किसी को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता पर उसने बास्केटबॉल सीख लिया है, तो वो उसका रेसिस्टेंस हो गया। मतलब कि रेसिस्टेंस हम बाहर से लगाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, पर रेसिस्टिविटी उसकी अपनी एक क्वालिटी है। जैसे कॉपर का रेसिस्टेंस थोड़ा कम है, एलॉय का थोड़ा ज्यादा है, टंगस्टन का काफी ज्यादा है,
तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटीरियल, बट रेसिस्टेंस जो होगा वो हम उसे एक्स्ट्रा अलग से लगाते हैं, ठीक है, वायर के बाहर, जिससे हम उसको थोड़ा सा मतलब वायर के अंदर ही लगाते हैं मेनली, ठीक है, जैसे वायर है और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बैटरी लगा देते, ठीक है, तो ये वायर से थोड़ा सा इस तरफ लगा देते हैं, जो मेन हमारा जो अप्लाइंस होता है उससे अलग। तो क्या इतनी बातें हमें समझ आई? बिल्कुल ठीक है। रो का अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ तो ये होता है आर ए अपॉन एल, और इसके ऐसा यूनिट जो होते हैं वो होते हैं ओम्स, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर यहाँ पे आपका जो है वो इसकी ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। तो ये आपकी रेसिस्टिविटी है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटीरियल, ठीक है, और इट इज अ, ठीक है, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइज 12.6, ये आपका एग्जाम्पल है, इस पर पढ़ते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग द लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड रेसिस्टेंस 4 ओम, ये आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। तो आर कितना दे रखा है इसमें, 4 ओम, लेंथ एल है, ओके, लेंथ इसकी एल हो गई, सेम है, और एरिया इसका ए हो गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ, कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, सेम मटेरियल है, मतलब रो सेम है, रो इक्वल टू रो, ठीक है, रो सेम है यहाँ पर, जिसका जो लेंथ है वो एल बाई टू होगी। अब मैंने एक चीज आपको बताई है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई है, ठीक है। अब हम आर डैश मान लेते तो रो तो सेम ही रहनी है, एल डैश अपॉन ए डैश, ठीक है, रो एल, अब एल क्या हो गया, हाफ हो गया। एक चीज आप याद रखना, अगर लेंथ हाफ हो जाती है, अगर लेंथ हाफ हो जाती है तो एरिया डबल हो जाता है, तो यहाँ पर 2a हो गया, ठीक है, ये हो गया रो एल बाई ए, और ये 2 नीचे चला गया, डेट इज द 4, ठीक है। तो r डैश इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे r का अगर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रो एल बाई ए, यहाँ पर भी अब रो एल बाई ए यहाँ पर, तो रो एल बाई ए r, r कितना है पर 4 ओम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 4 अपॉन 4, That is 4 से 4 कट, मतलब 1 ओम। तो अगर हम वायर को हाफ कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस हो गया, जो पहले 4 था, अब वो बन जाएगा 1, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं जो न्यू रेजिस्टेंस हो गया आर डैश, वो डिक्रीज हो गया, लेंथ के कम करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। वही मैं आपको चीजें पीछे आपको डिस्कस कराई, ठीक है। अगर यहाँ पर लेंथ ट्वाइस कर देते तो ये 4 की जगह कितना हो जाता, इंटू 4 कर देते, 16 बन जाता, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, तो वी कितना दे रखा है, 60 वोल्ट, ठीक है, और करंट आई कितना दे रखा है, 4 एम्पियर, ओके। व्हाट विल द करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, तो ये सेकंड केस के बारे में, फर्स्ट केस ये है, ठीक है, और सेकंड केस हमारा क्या है, सेकेंड केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें वी दे रखा है 120 वोल्ट, ठीक है, हमें वी दे रखा है 120 वोल्ट, और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, करंट निकालना, तो आई हमें पता नहीं है। अच्छा, आई निकालने के लिए क्या या क्या हो गया भाई, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, ओम्स लॉ बताओ क्या, ओम्स लॉ क्या, ओम्स लॉ है हमारा वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है, वी क्या है हमारा 120, आर हमें पता नहीं, तो आर हम फर्स्ट केस से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ओम्स लॉ वही लगाया, वी बाय आई बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ, वी कितना 60 और आई कितना हमारा 4, तो ये क्या आपका 50, आर हमें मिल गया बिल्कुल सेम, हमने यूज करा, अगर 120 पर लगाए तो कितनी होगी, तो यहाँ पर आपने 50 में इसको काट दिया, 58 चल 8 एम्पियर हो, ठीक है, जहाँ पहले 4 आ रहा था, अब 120 वोल्ट लगाकर हमारा 8 एम्पियर आ गया, ठीक है, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। ये कुछ हमारे ब्लू बुक क्वेश्चन को देखते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द लेंथ, एरिया, और एक रो था ना, तो डेट इज नेचर ऑफ मेटीरियल,
नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर मटेरियल मतलब अगर कॉपर है तो कम रेजिस्टेंस और अगर टंगस्टन है तो ज्यादा रेजिस्टेंस, वही बात। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर और थिन वायर, ठीक है, इसका आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन के लिए रखते हैं सेकंड वाला, लेट्स सी, और वाई भी बताना क्यों। अभी मैंने आपको बताया थिन वायर थिक वायर, रेसिस्टेंस किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, तो रेसिस्टेंस के ही ठीक है अनुसार ही आपको आंसर देना, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कॉन्स्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड कंपोनेंट डिक्रीज टू द हाफ टू द फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज इन द करंट थ्रू इट, ठीक है, रेजिस्टेंस हमने सेम रख रखा है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। अगर ये कह रहे हैं कि ओके पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिक्रीज कर दिया हाफ, तो आई करंट भी कितना हो जाएगा हाफ, सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो आई भी कम हो गया, रेसिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, रेसिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तभी ये चीजें फॉलो हो रही है, ठीक है, रेसिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। ओम्स लॉ में मुझे एक चीज और बतानी है आपको यहाँ पर, ठीक है, ओम्स लॉ में हाँ यहाँ पर ठीक है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, एक चीज हमारी छूट गई, टेम्परेचर यहाँ पर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कंडीशन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तभी फॉलो होगी जब यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो हमारा ये क्या होगा, करंट भी हमारा वाट चेंज विल द करंट भी हमारा हाफ हो जाए, करंट विल रिमेन हाफ, ठीक है। व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक हीटर मेड अप ऑफ एलॉय, एलॉय रादर देन द प्योर मेटल, क्योंकि एलॉय में ठीक है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, बिल्कुल एलॉय डो नॉट ऑक्सीडाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा होता है, ठीक है, मैं देखो आंसर भी मिल रहा है, एट द हाई टेम्परेचर फॉर द रीजन दे कॉमनली यूज एज अ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, ठीक है, और इनका रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है और जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते। ठीक है, लेट्स सी फाइव कमेंट सेक्शन में कौन सा मटेरियल है जो बेस्ट कंडक्टर है, कमेंट, और विच अमंग आयरन मरकरी द बेस्ट कंडक्टर, आयरन और मरकरी में कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, कमेंट मुझे आंसर चाहिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में, तो हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे आपका रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल, मतलब एक ठीक है सिस्टम है रेसिस्टेंस का, उसमें हमें बताना कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी। तो यहाँ पर आप देखा हमने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा हुआ है, ओके, तो बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। एक बात याद रखना कि सीरीज में क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंस है ना उनमें सेम करंट फ्लो होगा, मतलब अगर आई है यहाँ पर तो इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, तो करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर के अक्रॉस चेंज हो जाएगी, दैट इज वी वन दैट इज वी टू एंड वी थ्री, बट टोटल टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा, जैसे वी यहां पर है ना वी, तो टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा, बट वोल्टेज नॉट सेम अक्रॉस रेसिस्टर या अक्रॉस रेसिस्टर, ठीक है, वोल्टेज जो है वो सेम नहीं है, ओके, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, अब बात करते हैं कि रेसिस्टेंस की क्या वैल्यू निकल कर आते हैं, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या तीन बातें समझ आ रही है, V क्या होता है I R1, ये R1 R2 R3 है, V1 सॉरी V तो IR होगा ना टोटल, इसके लिए तो IR होगा ना, यहाँ के लिए टोटल रेजिस्टेंस तो R है ना। अब हम बात करें यहाँ पर कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, टोटल उस सर्किट के लिए कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा, सॉरी, तो V1 क्या होगा यहाँ पर बाय ओम्स लॉ आई आर वन, ये आई वन क्यों नहीं लिखा क्योंकि करंट सेम है सारे रेजिस्टर के, वी टू यहाँ पर कितना होगा आई आर टू, और वी थ्री कितना होगा आई आर थ्री, आई कॉमन ले लिया, कॉमन लेते आई कट गया सारा, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अगर चार रेजिस्टेंस होंगे तो प्लस आर फोर, पांच होंगे तो प्लस आर, तो उतना हम ऐड कर दें, मतलब सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपली हम रेजिस्टेंस को जोड़ दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, जैसे कि सीरीज में यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर फोर है, यहाँ पर सिक्स है,
तो अब कोई बोले कि जी टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो सिंपल ऐड कर दो 1 + 4 + 6 11 आपका 11 ओम आंसर आ गया। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो रेजिस्टेंस इन सीरीज ये आपका कंप्लीट है, जिसमें आपका करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते। अगर कोई पूछ ले कि इसके अक्रॉस बताओ कितनी पोटेंशियल है, तो सिंपल V1 इक्वल टू R1 इंटू I, ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगा देना। अगर कोई पूछे V2, तो V2 इक्वल टू R2 इंटू I, I चेंज नहीं होगा, I सेम है। V3 के लिए बोला V3 इक्वल टू R3 इंटू I, मतलब जितना रेजिस्टेंस होगा अभी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज आपका ही सिंपली। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है, करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 हो जाएगा, और यहाँ पर यार I3 हो जाएगा, बट हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा, R1 में भी V जा रहा है, R2 में भी V है, और R3 में भी V है, तो करंट ठीक है वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज विल सेम, ठीक है वोल्टेज विल सेम बट नॉट करंट, पैरेलल की हम बात करें। तो यहां पर देखो अगर करंट जा रहा है पैरेलल में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो टोटल करंट कितना होगा हमारा ये बताओ फटाफट, क्योंकि वी से तो कोई आने वाला है नहीं, तो आई इक्वल टू I1 + I2 + I3। अच्छा ये बताओ वोल्टेज सेम है तो वी रखेंगे और ये आर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर V बाय R1 हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सेम है, यहाँ पर V बाय R2 हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सेम है यहाँ भी, और यहाँ पर V बाय R3 हो जाएगा। यहाँ से V कॉमन है, कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कट कर दिया, 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर कोई पैरेलल में पूछे तो यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी हमें देखने को मिल रही है। पैरेलल में क्या हो रहा है कि 1/R + 1 = 1/R2 + 1/R3 + 1/R1, ठीक है, जो भी आपके रेजिस्टेंस होंगे 1/R करके इनको ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई पूछने लगे कि जी यहाँ पर बताओ कितना करंट फ्लो करा, तो I1 = V/R1 हम लिख देंगे, यहाँ पे R1 की वैल्यू जो भी होगी वहाँ पे पुट कर दो, V हमारा जो भी है वो यहाँ पर आप पुट कर दो, पर टोटल अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते। क्या दें बातें समझ आए? न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और चीज़ें समझ आएंगी, जैसे हमारा एक यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ये 4 ओम का हमारे यहाँ पर है, और ये बोला इलेक्ट्रिक लैंप है वूज रेजिस्टेंस 20, तो इसका 20 ओम है, ठीक है, और इसका 4 ओम। ओके, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, अब यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है हमने। ए पार्ट क्या कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस देखो, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल रेजिस्टेंस कितना आर, कितना है R1 + R2, क्योंकि दो रेजिस्टर है और सीरीज में है, सीरीज में देखो आप सीरीज और पैरेलल कैसे डिफाइन करोगे, ये देखो कि बैटरी से स्टार्ट करना, बैटरी से जा रहा करंट कहीं डिवाइड हो रहा नहीं, तो सीरीज में, अगर बैटरी से निकला और ऐसे करके दो डिवीजन यहाँ पर मिल गए तो मतलब करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा, मतलब पैरेलल में आ गए, जहां पर करंट डिवाइड हो जाए वहां पैरेलल समझ लें, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया R1 दैट इज द 4, R2 दैट इज द 20, तो इट इज 24। सिंपल चीज बी, ठीक है, यहाँ पर हमारा बी जो है ये क्या है, अ करंट थ्रो द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, तो बी क्या है, करंट थ्रो द सर्किट आई। अब आई क्या है, यहाँ पर आई कॉन्स्टेंट रहने वाला है, आई चेंज थोड़ी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में, तो आई इक्वल टू आई का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, V/R, वी कितना है 6 और आर कितना है 24, सिंपली कट कर दो यहाँ पर 1/4 या 0.25 एम्पीयर। सी वाला पार्ट देखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, लैंप कितना है, ठीक है, लैंप के लिए हम निकाल लें वी, तो लैंप के लिए वी कितना होगा, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो आई कितना लैंप का, मतलब टोटल, अब लैंप का आई नहीं है, टोटल आई है, इसके लिए भी आई इतना ही, क्यों, क्योंकि सीरीज में है, सेम है सबके लिए, जितना यहाँ पर जा रहा है उतना यहाँ पर जा रहा है, तो आई तो चेंज नहीं होगा, तो आई तो 1/4 ही रहने वाला है, आर देखते हैं, आर इसके लिए 20 हो गया, तो 4, 5 + 20 यहाँ पर आपका 5 वोल्ट आ गया। अब कंडक्टर के थ्रू, ये रहा आपका कंडक्टर, कंडक्टर का जो वी होगा वो कितना होगा, कंडक्टर का वी होगा वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई कितना है 1/4, सेम आर चेंज हो जाएगा, डेट इज द 4 से 4 कट गया 1, तो यहाँ 1 और 5 1 + 5 कितना हो गया 6, यहाँ भी 6, तो हमने वो भी वेरीफाई कर लिया कि इसके यहाँ 1 है, इसके यहाँ
पांच है, तो एक और पांच छह, मतलब टोटल हमारा बिल्कुल न्यूमेरिकल बेहतरीन एकदम सही हो गया। कहते हैं बातें समझ आई। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द सर्किट ऑफ अ बैटरी ऑफ द थ्री सेल 2V ईच। अच्छा थ्री सेल हमारे पास, ओके एंड 5 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है 5, 8 एंड 12 कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ यार, इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगता डायग्राम, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा है अभी टेढ़ा ना बन जाए डायग्राम। चलो क्यों तो ठीक बना, 5 ओम 6 सॉरी 8 ओम और 12 और ये दो 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 वोल्ट के ये हमारे, ठीक है तीन हमारी सेल है। अच्छा ओके 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 ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ये हमारा पहला आंसर तो हमने यहाँ पर बना लिया। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है रीड रहा द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट एंड पुटिंग एन एम मीटर। अच्छा एम मीटर पुट करना है तो इसको दोबारा से बना लेते हैं और इसमें एम मीटर पुट कर लेते हैं जरा। ठीक है यहाँ पर 5, 8 और 12 यहाँ पर एम मीटर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एम मीटर लगा लिया और वोल्ट मीटर लगा लिया। ठीक है अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है 12 ओम, ठीक है अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम और यहाँ पर हमने वोल्टेज मीटर लगा दी। अब बोलना है कि इसमें रीडिंग फाइंड आउट करो, इज इट यस फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट। तो रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए एमीटर के लिए हमें करंट चाहिए आई। ठीक है रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें करंट चाहिए आई। ठीक है तो आई हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें रेसिस्टेंस चाहिए, हमें रेसिस्टेंस पता ही नहीं टोटल कितना है। सीरीज में कुछ नहीं करना, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन कितना है 5 और आर टू कितना 8 और आर थ्री कितना 12, तो आपका कितना हो गया, ठीक है 25। ठीक है अब I निकल जाएगा बैटरी। अच्छा ये हमारे पास सेल दे रखे थे हमें 2 वोल्ट के, तो 2, 2, 2 तो टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है तो टोटल कितना हो गया हमारा 6 वोल्ट। तो आई कितना हो गया हमारा, आई इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है और यहाँ पर हमारा हो गया 6 और रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 25, तो 6/25 हमारा एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रीडिंग हमें निकालनी है। ठीक है 12 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर, तो 12 ओम के अक्रॉस जो हमारी वी निकलेगी वो निकलेगी हमारी वी इक्वल टू आई आर। आई कितना हमारा 6/25 और आर कितना हमारा 12। तो बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे 72/25 वोल्ट। ठीक है इसको कट कर लेंगे तो सिंपली आपका, ठीक है 2.8 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका, ठीक है ये सिंपली आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। वहां पर 8 के अक्रॉस ही पूछ सकता है तो यहाँ पर 8 कर देना, 5 के पूछे तो यहाँ पर 5 कर देना, जो भी आपको क्वेश्चन में जैसे ही पूछा था उसका अकॉर्डिंग। जैसे आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी अब आपकी फिगर दे रखी है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है ये बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस निकाल, देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको लिख रहा है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल। करंट यहाँ आ गया और यहाँ पर डिवाइड हो गया, मतलब आर वन एंड आर टू सीरीज में नहीं है पैरेलल में। ठीक है तो ये पैरेलल में, ये पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल पैरेलल और दोनों सीरीज। अच्छा यहाँ पर निकालते हैं ये पैरेलल में फोर पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मा क्या होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक तो 1/R हो गया हमारा 1/R1, 1 कितना हमारा 10 और R2 कितना है हमारा 40। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ठीक है ये हो गया आपका 4 1। ठीक तो आपका R कितना हो गया 1/8 ना मत लिखना, R हो गया आपका R इज इक्वल टू 8। रेसिप्रोकल भी तो करना है, काफी बच्चे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं फिर कहते हैं कि जी नंबर कट गया, तो कट नहीं है। अच्छा इसके लिए देखो
इसके लिए आपका क्या होगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर प्लस वन अपॉन आर फाइव, इसको हम आर डैश मान लेते हैं ना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, वन अपॉन आर थर्टी ट्वेंटी सिक्सटी, ठीक है, सिंपली बस इसको सिंप्लीफाई करना है, थर्टी ट्वेंटी और सिक्सटी, एलसीएम विल बी द सिक्सटी, ठीक है, सिंपली इसको बस सोल्व करना है, वन अपॉन टेन, डेट इज जो हमारा आर डैश आ गया वो हमारा आ गया टेन। अच्छा तो ये हमारा आ गया कितना, टेन, और ये हमारा कितना आ गया, एट। अब ये देखो एट और टेन किस में है, यहाँ से करंट गया यहाँ से गया, ये तो दोनों मुझे सीरीज में लग रहे हैं, ये इसके सीरीज में है ना, ये इनके आप आर वन आर टू पैरेलल में, बट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ आपस में वो सीरीज में होगा, तो इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस बना जो ए पार्ट का हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया हमारा आर इज इक्वल टू एट प्लस टेन, दैट इज 18 ओम आपका टोटल आंसर होगा। तो पहले का आंसर आप 18, दूसरे का बी कितना करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आई आई इक्वल टू वी बाय आर, वी कितना है वोल्ट, कितनी दे रखी है वोल्ट 12, और आर कितना आपका 18, तो इट विल कम्स 2/3, ये 2/3 आपका एम्पियर होगा, ठीक है। काफी अच्छा न्यूमेरिकल था, इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करना और एक बार लाइक वगैरह करते चलो, है ना, तभी चीजें समझ आएंगी, मतलब कर दो यार लाइक, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ये हमारे ब्लू बुक क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, पहला पार्ट है हमारा कि 1 ओम और 10 के बाद 6 ओम को हमने पैरेलल में कनेक्ट कराया, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो पैरेलल में आपको पता ही है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर1 प्लस 1 अपॉन आर2, और 1 अपॉन आर1 हमारा कितना है 1, और 1 अपॉन आर2 कितना हमारा 1 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है, इसको बस सिंपलीफाई करना है हमें और कुछ नहीं, 10 की पावर 6 हो गया, ठीक है, 10 की पावर 6 प्लस 1, ठीक है, सिंपली एलसीएम वगैरह लिया इसमें। ओके, तो जो हमारा आर हो गया वो हमारा आर हो जाएगा 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 6, और जब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर विल बी द 1, ठीक है, जो इनका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो आपका जो होगा 1, तो 1 ओम आपका यहाँ से आंसर निकल के आ गया। अगर हम बी की बात करें, अच्छा अब बी में क्या करा है, इनको लिया है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3 और 1 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है, सेम यहाँ पर 10 की पावर 6 एलसीएम हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 प्लस यहाँ से आपका, ठीक है, 10 की पावर 3 प्लस डेट इज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ओके प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6, तो इसको सोल्व करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है, 1 0, ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा हो गई है, ओके, ठीक है, और ये 1 भी ऐड करा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 0 1 0 0 1, ठीक है, तो 1 0 0 1 0 0 1 अपॉन 10 की पावर 6, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा, ठीक है, 0.999 ओम के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर यहाँ पर 0.999 और यहाँ पर 1 ओम आपका आंसर आ गया, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आपका 1 ओम ही होगा। इस बात करते हैं सेकंड में, इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड द वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इनको सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ये इसको, ठीक है, और एक है आपका कितना 50 और एक का आपका कितना 500 ओम, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है रेसिस्टेंस को। अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा जो सेम सोर्स से कनेक्टेड होगा, मतलब दैट इज इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस होगा क्योंकि सेम सोर्स है, ठीक है, टोटल, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे, फॉर्मूला ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, मैं ये वाला सिंपल है, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ पर आर वन आर टू आर थ्री यहाँ वैल्यू रख के आर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना,
ठीक है, कमेंट में आंसर बताना। नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं, एज मच एज द करंट थ्री अप्लाइज एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे अगेन हम वी बाय आर, तो ये जितना आर होगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना और वी की वैल्यू आपको पता ही है 220 अपॉन आर, ठीक है यहाँ वैल्यू पुट कर देना आर के और आर को यहाँ पर आप ठीक है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टीट्यूट ऑफ द कनेक्टिंग सीरीज। देखो सीरीज और पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है अगर मैं बात करूँ सीरीज की तो करंट विल ऑलवेज द सेम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सीरीज वाले में अगर सीरीज में कहीं पर फॉल्ट आ गया, कहीं पर फॉल्ट आ गया तो या फॉल्ट आने पर तो यहाँ पर ब्रेक लग गया, ब्रेक लगने पर क्या होगा कि यहाँ से करंट आगे नहीं जाएगा भाई, यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत आ गई सर्किट में, ब्रेक हो गया, फॉल्ट आ गया तो यहाँ पर ब्रेक लग गया, ठीक है वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये वाला भी वर्क नहीं करेगा और ये भी वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर सीरीज में एक भी कंपोनेंट आपका खराब हो जाता है तो कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक में तो हम ये यूज करते नहीं, जैसे आपने देखा है वो जो लाइट्स होती हैं, ठीक है फेरी लाइट्स होती हैं, जो फेस्टिवल के टाइम पर जो लाइट्स लगती हैं रंग बिरंगी, दिवाली के टाइम पर जो आती हैं उनमें क्या होता है, एक मास्टर बल्ब रहता है, ठीक है आपने देखा हो कभी अगर वो लाइट खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रिशियन या हम ही ढूंढते रहते हैं कि जी कौन सा बल्ब खराब हुआ है, फिर वो बल्ब खराब बल्ब को हटा के जोड़ते हैं तो लाइट जल जाती है क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में मैं यही आपको बता देता हूँ, ठीक है अगर ये आपका पैरेलल में है ये और ये और ये, ठीक है अगर ये वाले कंपोनेंट में कोई दिक्कत आ गई, ब्रेक हो गया यहाँ से, ये वाले तो चलते रहेंगे, यहाँ तो करंट जाएगा क्योंकि करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, ये आराम से चलता रहेगा, ये भी आराम से चलता रहेगा, अगर ये खराब हो गया तो करंट यहाँ जाना खत्म हो जाएगा, बट आई टू और आई थ्री में करंट आराम से चलता रहेगा, तो जो पैरेलल में उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। सीरीज में यही एक दिक्कत है, अगर एक कंपोनेंट खराब हो जाता है पूरा ही सर्किट ठीक है कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। फोर्थ, हाउ कैन थ्री रेसिस्टर 236 बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। तो 236 को हम कैसे कनेक्ट करें कि टोटल रेसिस्टेंस जो है 4 हो या 1 ओम। अब एक बात बताओ, अब इनको तीनों को सीरीज में कर देंगे तो कितना आएगा, 6, 9, 11, तो 11 तो हमारे यहाँ के हमें 4 चाहिए। अगर 6 को सीरीज में ले तो 6 तो ऑलरेडी यहाँ पर सीरीज में आ गया 6, अब इन दोनों का कुछ आए वो हमें मतलब नहीं, हमें तो 6 ऑलरेडी हमें मिल गया, हमें तो 4 चाहिए। अच्छा अगर हम यहाँ पर ठीक है 2 को सीरीज में ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, 6 और 3 को पैरेलल में ले लें तो बात बन जाएगी, 2 को सीरीज में ले लिया तो 2 तो प्लस हो गया, ठीक है अब 3 और 6 को पैरेलल में ले, यहाँ पर बस फॉर्मूला लगा दो 1/2 और 1/3 और 1/6, 6 2 1 3/6 1/2 आंसर आ गया, तो 2 यहाँ से हमें मिल गया, तो 2+2 इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पर 4, ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 के साथ 3 और 6 को पैरेलल में लेंगे। 1 ओम के लिए हम क्या करेंगे यार, 1 ओम के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, तीनों को ही पैरेलल में ले लेंगे, ठीक है तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि अगर हम 2 को सीरीज में लेंगे तो 2 तो ऑलरेडी है हमें तो 1 चाहिए, 3 को सीरीज में लेंगे तो 3 तो ऑलरेडी रखा ही रखा मिल जाएगा हमें, हमें 1 चाहिए, तीनों को पैरेलल में ले लो आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस, हाईएस्ट के लिए क्या होगा, तीनों को सीरीज में ले लो, तीनों को सीरीज में ले लो तो हमें हाईएस्ट मिल जाएगा, जैसे 4, 8, 12, 24, ठीक है तो ये आपका हो जाएगा 36 और ये आगे आपका 48, तो आपका जो हाईएस्ट होगा 48 हो गया। लोएस्ट क्या होगा, इन सबको पैरेलल में ले लो, ठीक है इन सबको पैरेलल में ले लोगे तो आपका जो वो हो जाएगा 24, ठीक है और ये आपका हो जाएगा 4, 6 जा 24 और आपका 8, 3 जा 24, 12, 2 जा 24 1, ठीक है तो ये आपका हो गया 6, 3, 9, 1, 10, 12, 12 upon 24, 12, 2 जा 24, 2 आपका आंसर आ गया, तो लोएस्ट कितना हो जाएगा आपका 2 और हाईएस्ट कितना हो जाएगा 48, ठीक है तो लोएस्ट के लिए हमेशा पैरेलल की तरफ जाओ, हाईएस्ट के लिए हमेशा सीरीज की तरफ जाओ, तो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट का। मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले में बताया था यार, ठीक है यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने एक सेल या बैटरी लगा दी, जब यहाँ से करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ से करंट चल रहा तो रेसिस्टेंस क्या करता है, इसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। और आपने देखा इलेक्ट्रिक आयरन स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो गई, ठीक है गीजर का स्विच ऑन करा पानी गर्म हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्ट का स्विच ऑन करा तो
इलेक्ट्रिक टोस गर्म हो गया, क्यों भाई? ड्यू टू द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की वजह से। बल्ब आपने देखा, बल्ब आप जलाते हो फिर ठीक है कुछ 10-20 मिनट या एक घंटा जलाकर देखना, फिर बंद करके बल्ब को टच करना, बल्ब भी आपका गर्म हो जाएगा ड्यू टू द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है चीजों को। तो एनर्जी जाती कहाँ है? ठीक है, अब आप क्या कहते हो कि भैया रेसिस्टेंस जो है वो करंट को अपोज करता है। ठीक है, अपोज करता है, अब वो अपोज करंट गया कहाँ? उसका जो इफेक्ट होगा वो हीट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज है इसमें बिल्कुल सेम चीज बता रखा है। कंसीडर द करंट आई, करंट आई यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस आर, ये आर रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी होगी, चलो ठीक है। टाइम टी, टी टाइम की ड्यूरेशन से करंट चल रहा है। ओके, वर्क डन आपका डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ये इसका वर्क डन डब्ल्यू हो गया और चार्ज क्यू यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें हमें यहाँ पर लिख ली। हैंस जो पावर होगा, पावर क्या होगा आपका, पी इक्वल टू, ठीक है ओके, द सोर्स मस्ट बी सप्लाई। ठीक है, एनर्जी पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, पता है ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था पावर के बारे में। ठीक है, जो हमारा वर्क एंड एनर्जी वाला जो चैप्टर था वो उसमें पावर का फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है आपको पता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो डब्ल्यू क्या हो गया, वी क्यू, टी यहाँ पर नीचे हो गया। अच्छा, एक चीज आप बताओ, Q by T क्या होता है, करंट I, तो V into I, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V I। ठीक है, पावर का फॉर्मूला दूसरा भी होता है, V equal to IR हो गया, तो IR into I, ये आपका हो जाएगा I square into R। पावर का फॉर्मूला दूसरा भी होता है, I की जगह ठीक है V by R लिख दो, तो V square upon R, ये भी आपका पावर का फॉर्मूला है और ये भी आपका पावर का फॉर्मूला। तो पावर के आपके ये फॉर्मूले जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। अच्छा, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है ये कैसे पता चलेगा, कि जी H इक्वल टू क्या होता है, P इनटू T। अब आपको बस पावर पर T की मल्टीप्लाई करनी है। अब जैसे मैं H निकालूं यहाँ पर, तो V स्क्वायर अपॉन R इनटू T, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पर हीट निकालूं इसके लिए, तो इसमें हीट क्या हो जाएगी, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर इनटू T। ठीक है, हीट क्या हो जाएगी, V इनटू I इनटू T, बस सिंपल कुछ नहीं करना। H क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो हीट इज द वी आई टी, या फिर H इक्वल टू पी इंटू टी, पी आपको पावर, ये पावर आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल चीज है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, या आप ये यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चीज गोत्र करते हैं, द इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये आप एक बार पढ़ना जरूर। ठीक है, मैं आपको मेन मेन चीज यहाँ पर बता रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूसिंग द लाइट एज अ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीट जब वहाँ पर होते हैं, फिलामेंट जब हीट करता है तो वो जलता है, वहाँ पर आपको लाइट मिलती है। देयर इज अ फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच एज द हीट जनरेटेड एज इट इज पॉसिबल, सो डेट इज गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, जब वो गर्म हो जाता है तो लाइट एमिट करता है। ठीक है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड यूज फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट, टंगस्टन बल्ब। ठीक है, द बल्ब इज यूजली फिल्ड विद द केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेज टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। इसके अंदर ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस जैसे गैसेज रहते हैं बल्ब के अंदर। ठीक है, पहले वाले बल्ब के अंदर जो ठीक है जो 100 वाट 200 वाट के जाते थे, जो पीली पीली लाइट देते थे। ठीक है, द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट, बट द स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ द लाइट रेडियो। ठीक है, ये जूल ऑफ हीटिंग है आपका। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली एप्लीकेशन है जूल ऑफ हीटिंग, वो आपका फ्यूज आपका घर में लगाया जाता है। ठीक है, ये फ्यूज होता है, ये आपका पूरा घर में जितने भी आपकी ठीक है अप्लाइंसेज है, वो जो फ्यूज है ये आपका इनसे ठीक है सीरीज में कनेक्ट होता है, ये बाहर से आपकी जो है वो करंट आ रहा है। फ्यूज क्या करता है, अगर हाई पावर करंट आपका ठीक है अप्लाइंसेज आती है घर के अंदर, ठीक है जितने भी यहाँ पे अप्लाइंसेज है 1, 2, 3, 4, ठीक है अप्लाइंसेज के अंदर जितना भी करंट आता है, अगर ये आउटसाइड जो करंट है ज्यादा आता है तो फ्यूज मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से अंदर वाले जो घर के अंदर जो अप्लाइंसेज है वो खराब ना हो। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एक्चुअली एलोय की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, जिसका एक अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ज्यादा करंट आने से मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अब करंट क्या करता है, ठीक है गर्म कर देता है, ठीक है अप्लाइंसेज वगैरह को, या फिर बल्ब में आपने देखा रेजिस्टेंस है, तो करंट के जाने से वो चीजें हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर अगर ठीक है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना जल्दी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि फ्यूज कितने का है। ठीक है, ये फ्यूज आपका 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर का, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ कुछ ठीक है
आपकी एप्लीकेशंस थी जो डेली लाइफ में यूज होती है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात कर लेते हैं। पी इक्वल टू वी आई होता है आपका। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर सिंपली, एंड द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो कंजप्शन होता है। आपने देखा होगा कि घर में जो मीटर लगा होता है बोलते हैं कि 1 किलोवाट का मीटर है, ठीक है, या 2 किलोवाट का आपका, ठीक है, वो मीटर लगा हुआ है घर में, इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है, और कि ये अप्लाइंसिस है ये 1 किलोवाट आर से चल रही है, ठीक है, या 1 यूनिट ऑफ, ठीक है, एनर्जी खर्च होगी, एक एक यूनिट, 10 यूनिट, जब बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट्स आती है लिखी हुई, ठीक है। तो जो 1 यूनिट होती है ना आपकी, वो होती है आपकी 1 किलोवाट आर के ऊपर, 1 किलोवाट आर, ठीक, आपका पावर, ठीक है, और आवर क्या है आपका, ये कितना आर ये चल रहा है, ठीक है, सेकंड। तो पावर इंटू सेकंड क्या होते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, और 1 किलोवाट क्या है आपका पावर हो गया, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू वी आई और पी इक्वल टू आई, इसका ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिया था ऑलरेडी। तो ये 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इक्वल टू 1 VA, ठीक है। ये यहाँ पर सिंपली आपको 1 किलोवाट आर निकाल के बता रखा है, ये होता है 3.6 × 10^6 जूल के पावर, ठीक है। सिंपली बिल्कुल बेसिक है जिसमें मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर बता दिया है। और अगर आपको कोई भी चीज़, ठीक है, लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें नेक्स्ट वीडियो में, या ये चीज़ अच्छी लगी, जो भी चीज़ आपको चले एक बार कमेंट में बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 के आप सारे कर लेना, यार 15 वाला क्वेश्चन ये 2018 और 2019 में आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। ये 16, ठीक है, यहाँ से आपका 13, ओके, और ये 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये 8 काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन है, और ये आपका 6th और 5th, ये आप सारे कर, वैसे तो आपको सारे करने, पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर टिक करें, इनको एक बार जरूर अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है, एक ही लेवल, इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, ठीक है, और तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए एक बार कमेंट करके बता दें। चलो गाइस, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।